एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रात के 3:30 बज चुके हैं एंड अभी तुम्हारे भाई का डिनर हो रहा है, क्योंकि मेरा डिनर करा नहीं था। अब मेरे को लग रही है भूख, एंड का पार्ट है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मेरे को, खिंची हुई लग रही है। अब सीधे सही बात बताऊँ, 2.5 घंटे की परफेक्ट मूवी थी, बट ये जो एंड का एसपी वाला पार्ट आ गया ना, मेरे को बहुत भाई साहब, मतलब जिसे कहते हैं ना अन्ने वाह खाना, उतना तुम्हारे भाई ने खाया। एंड कर रहे हैं अपन लोग एक कौन से, एंड अभी दिस इज जस्ट द स्टार्टर। घर पे इतना सारा डिनर बन रखा है, इतना सारा कहने की हद नहीं। खैर, बैकग्राउंड वगैरह देखिए तुम लोग समझ तो जरूर गए होगे, बट ऑब्वियसली द प्रीवियस डे। एंड भाई मतलब बहुत ज़्यादा खा लिया अपन लोगों ने मम्मू के राज में, कसम से भाई बहुत ही ज़्यादा। एंड इनिशियली तो सिर्फ हमारे कजन्स का ही घर पे नाइट स्टे का प्लान था, बट अब दोनों मामू भी आ रहे हैं, मामियाँ भी आ रहे हैं, एंड भाई पूरी फैमिली श्योर बहुत ज़्यादा पूरी फैमिली नाइट स्टे करेंगे, एंड इट्स गोना बी सो अमेजिंग। अब तो तुमको मेरे हिसाब से मैंने अपना ड्राइंग रूम की भी हालत नहीं दिखाई कैसी सी हो रखी है, बट भाई कसम से बता रहा हूँ यहाँ तक भर गया। अभी तुम्हारे भाई ने डिनर भी नहीं कर रहा, 9 बज रहे हैं। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल्चर बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। भाई 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 मतलब ऐसे की तैसे फिर गई, पेट एकदम अच्छे से भर गया, मजा आ गया। खैर, अभी जो है अपन लोग घर तो वापस आ चुके हैं, एंड कल का ब्लॉग मैंने ऐसे ही एंड कर दिया क्योंकि मेरा भाई कंप्लीट करने का मन नहीं था। अभी शायद से रात में अपन लोगों का नाइट आउट का भी बन रहा है, बट वो रात की देखेंगे भाई, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई थक चुका है अच्छे से। अभी तो ऐसा है, अगर मेरे को खाने को ना भी दो ना, आई एम सेल्फ सफिशियंट, मेरे को बहुत मतलब पूरा एकदम। यार मैं पुंडी की चाबी, बाइक की चाबी कहाँ है, ये तो मम्मू की बाइक की चाबी थी, और पुंडी की चाबी भी यहीं पर है, तो दोनों चीजें यहीं पे। तो फटाफट से चलते हैं अंदर, चल के जो पिज्जा वगैरह लेके आए हैं उनको आराम से इंजॉय करते हैं, एंड देखते हैं फिर रात में केड़ी मूवी लगाते हैं अपन लोग। कर देते हैं साफ, एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रात के 3:30 बज चुके हैं, एंड अभी तुम्हारे भाई का डिनर हो रहा है, क्योंकि मेरा पहले इनिशियली डिनर करने का 1% भी मन नहीं था। फिर अपन लोगों ने मूवी देखनी शुरू करी पुष्पा, भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छी मूवी लगी, बट एंड का जो एसपी वाला पार्ट है ना, ये टेक्निकली खींचा हुआ लग रहा है। एंड अपन लोगों ने 1:30 बजे देखनी, 3 घंटे की मूवी 12:30 बजे देखनी शुरू करी थी, क्योंकि 11 बजे मेरे दूसरे मामू आए थे, फिर खाना खूना करा ये वो सब, एंड मैंने तो उस टाइम पे डिनर करा नहीं था। अब मेरे को लग रही है भूख, एंड का पार्ट है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है मेरे को, खिंची हुई लग रही है। अब सीधे सही बात बताऊँ, 2.5 घंटे की परफेक्ट मूवी थी, बट ये जो एंड का एसपी वाला पार्ट आ गया ना, मेरे को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ लग रहा है। इससे बढ़िया मैंने सोचा आराम से अपना डिनर करते हैं, फिर थोड़ी देर तक सोने चले जाएंगे। अरे यार चाप ठंडी पड़ी, गर्म भी नहीं कर सकता, बट ओवरऑल जो भी है जैसा भी है ठीक है। अब तो आराम से अपना डिनर करते हैं, कोई बढ़िया सी फोन पे वीडियो लगाते हैं, फिर थोड़ी देर में अपन लोग 4 बजे तक सोने जाएंगे। भाई वह सारे डिनर को सबसे बहुत लेट हो गया, एंड अभी बाकी सारे लोग मूवी देख रहे हैं, तो मैं कल आके यहाँ पे डिनर कर रहा हूँ। तो अभी जो है ऑलमोस्ट सुबह के 9 बज चुके हैं, अपन लोग काफ़ी वियर्ड नोट पे इस ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं, बट अपन लोग अभी खड़े हैं अपनी दुकान में, यहाँ पे पुट्टी का काम शुरू हो रहा है, वो देखो वहाँ पे ऑलमोस्ट आदत हो ही चुका है, मतलब जो छोटे मोटे छेद थे ना वो सारे एकदम बढ़िया तरीके से फिल हो चुके हैं। एंड भाई यहाँ आने का तो मैं ब्लॉग भूल गया क्या टंग रखा था, तो यहाँ आने का ब्लॉग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया था, कि भाई मैं पहले अपने सेंसेस में ही नहीं था, अब यहाँ पे अपने सेंसेस में आया हूँ तो ब्लॉग कर पा रहा है, क्या पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ। एंड अभी वहाँ पे पुट्टी खोल रहे, पप्पा और पुट्टी लेने गए हैं, जैसे ही इनको पुट्टी लेंगे फिर आप लोग वापस घर निकल लेंगे। घर निकल के अपन लोगों ने अपना नाना रोना भी निपटाना है, क्योंकि सीन पता क्या है भाई, मैं ना सुबह 5 बजे तो सोया मूवी वगैरह देख के तुम्हारे सामने, फिर डिनर वगैरह सुबह 5 बजे करा, उसके बाद नींद बड़ी ज़बरदस्त आई, 4 घंटे ही सोया, बट ठीक है।
उस बार कोई ऐसा जहाने का प्लान नहीं था, बट पापा को पुंडी की चाबी नहीं मिल रही थी, पुंडी भी अपन लोगों ने आना था ना, यहाँ की चाबी मिल रही थी, तो दोनों चाबियाँ ढूंढी, फिर मैं नींद खुली और सोचा चलो अपन लोग भी चल लेते हैं। एंड ट्रैपॉड वगैरह में कुछ लेके आए, इसी करके फुटेज थोड़ी सी शेक की आ रही होगी, बट बियर से वैसे स्टीरियोटाइप है, हैं ये आला ये आला, वैसे स्टीरियोटाइप है भी अपन लोगों को छींक मारने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बट क्या ही फर्क पड़ता है यार, केड़ा अपन लोग ऐसे ठीक है, छींक मारे को भी 2-3 सेकंड हो गए, बातचीत भी हो ली। खैर अभी जो अपन लोग शॉप वगैरह से घर वापस आए गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, एंड अपन लोगों ने जो है अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया, जिसमें गर्मा गर्म पकौड़े बने थे भाई, मतलब इतने ज़्यादा यम थे, इतने ज़्यादा मेरा पेट ना एकदम ऊपर तक भर गया, पैसे ले लिया ना मैंने, हाँ ले लिए। एंड अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, मम्मी की ना मेडिसिन आती है बीपी वगैरह की हर मंथ ही, बट इस मंथ पता नहीं क्या हुआ वो ना मेडिसिन एक कम पड़ गई, सो अभी मैं और मामू वही मेडिसिन लेने जा रहे हैं, इसी बहाने अपन लोगों की थोड़ी सी मामू भांजा भांजा ही होता है ना, पता नहीं मामू भतीजा भांजा जो भी होता है भांजा ही होता है, वो टॉक भी हो जाएगी एंड अपन लोग छोटी सी गेड़ी भी मारेंगे। वही फटाफट चलते हैं, निकलते हैं अपन लोग मेडिसिन शॉप पे, मेडिसिन उठाते हैं एंड फिर घर आके आराम से एक बढ़िया सा ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। तो फाइनली अभी जो है अपन लोगों ने जड़ी मेडिसिन लेनी थी वो तो अपन लोगों को मिल चुकी है एंड वो मेरे हाथ में ही है, साथ साथ अभी मैं और मामू सोचे थोड़ा सा दुकान, यार ये दुकान के आगे रेडी किसने लगा ली, हद है यार अभी तो दुकान, अच्छा दुकान बंद पड़ी है, लगता है बंदा काम करके चला गया, बट चलो कोई ना जब आएगा वापस तो रेडी भी हटवा लेंगे, काफी हद तक तो लगता है, बाकी ताला लगा के ताला भी लगा गया, चलो कोई ना भाई चलता है। तो भाई साहब अभी जो है घर पे तो अपन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक क्या ही पीनी थी, अपन लोगों ने तो बाहर से ये उठा ली मैजिक सोडा, एंड मैं कसम से बता रहा हूँ जिस दिन अपन लोग दुकान पे शिफ्ट हो गए ना भाई, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस ना, या ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी ये दोनों भाई भैया पे खत्म ही मिलेंगे अपन लोग, सारे अपन लोग मुका देंगे। बट चलो कोई अभी तो फटाफट घर निकलते हैं, घर वालों की भी 2 बारी कॉल आ चुके हैं, अपन लोग भाई मस्करी ज्यादा कर रहे हैं और घर जाने की कम कर रहे हैं, तो इसलिए तो फटाफट घर की निकालते हैं अपन लोग, घर चल के आराम से आराम करते हैं, क्योंकि रात के भी थोड़े से थके हुए हैं, रात को लेट हो गए सोते हुए, मतलब कैसे किश्तों में ब्लॉग बन रहा है ना, इतना ज्यादा गंदा ब्लॉग, इतना ज्यादा मतलब कहने की हद नहीं, जैसे अपन लोग कहते हैं ना गलत आदत सुस्ती वो चढ़े रखी है, नींद तुम्हारे भाई को नेक्स्ट लेवल आ रखी है, सुबह से 3 बारी नहा लिया एंड ऐसा लग रहा है जैसे ना पेट में ही ना बड़ा खिंचाव खिंचाव सा महसूस हो रखा हो। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 6 इन द इवनिंग एंड सूर्य जो है अस्त हो चुका है। एक और आज बड़ी बुरी बात है कि मेरे एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, 29, 30, 31 को मेरे एग्जाम है एंड 29 को तो शायद से मेरा फास्ट भी है, वो देखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट के 2 फास्ट रखूंगा मैं नवरात्रि पे जोड़ा, तो भाई वो बहुत औखा होने वाला है जैसा भी होएगा, बट चलो कोई ना व्लॉग तो बनाना ही, व्लॉग के लिए कंटेंट मिल गया अपन लोगों को। अभी तो खैर भाई अब अपना कोई सच प्लान नहीं है, सो आई गेस वी शुड एंड दिस व्लॉग ओवर हियर ओनली। वैसे भी इट्स ऑलमोस्ट 6 इन द इवनिंग एंड अभी जो अपन लोगों के पास दिखाने कुछ ही बचा, तुम लोगों के पास देखने कुछ ही बचा, तो इसी नोट पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप करते हैं आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, तुम लगे एक्सपीरियंस के साथ। बाय बाय।